साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। देखिए, क्लास के अंतर्गत इस समय इतिहास और राजनीति विज्ञान की क्लास चल रही है। इतिहास में देखिए, जो हमारा तीसरा चैप्टर है वह है महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गोरी। ठीक है, तीसरा आपका चैप्टर है महमूद गजनबी और एवं मोहम्मद गोरी। इसको पढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितना नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा हर क्लास की, आप फ्री में पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं, बस हमारे एक ही सहयोग करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इतिहास में इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास की क्लास चल रही है और इसके पीछे हमने जो प्राचीन इतिहास की क्लास है पूरा प्रैक्टिस सेट, जितने चैप्टर उससे संबंधित हैं, हमने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करवा करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए फिर आज क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जो क्लास में आज का चैप्टर है यह है महमूद गजनबी एवं मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब देखिए, अब एक एक करके लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के बताते हैं, समझाते हुए चलेंगे, तो ताकि पढ़ने में आसानी हो। अब देखिए, यहाँ पे एक शब्द आया है तुर्क। ठीक है, अब तुर्क के विषय में कहा गया है कि ये अब्बासी साम्राज्य में, जो तुर्क थे अब्बासी साम्राज्य में नौवीं शताब्दी में महलों के पहरेदारों एवं किराए के सैनिक के रूप में पहुंचे थे। ठीक है, जो तुर्क थे अब्बासी साम्राज्य के दरबार में गए, उस राज्य में राजा से कहा कि राजा जी, हमें अपने महल में पहरेदार बना लीजिए, जो आपके सैनिक हैं उन सैनिकों में हमारी भर्ती कर लीजिए। ठीक है, यह बात नौवीं शताब्दी की है। लेकिन जो तुर्क थे ये काफ़ी चालाक प्रवृत्ति के थे, काफ़ी महत्वाकांक्षी थे। आगे चल करके यही जो तुर्क थे वहाँ किंग मेकर की भूमिका में आ गए। जब इनको वहाँ पर पहरेदार की नौकरी मिल गई, किराए के सैनिक बन गए, तो धीरे धीरे अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो जो उनका शासन प्रशासन था उसमें ये भूमिका अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। अब यहाँ तक कि वह किंग मेकर की भूमिका में आ गए। ठीक है, अब देखिए, भारत में तुर्कों का आक्रमण दो चरणों में संपन्न हुआ, अर्थात भारत में जो तुर्कों का आक्रमण हुआ वह दो चरणों में संपन्न हुआ। जो पहला चरण है, यहाँ पे देखिए, जो पहला चरण है, पहले चरण के जो नेता थे उनका नाम था महमूद गजनबी और दूसरे चरण का जो दूसरा है उसके जो नेता थे उसका नाम है मोहम्मद गोरी। अर्थात इन दोनों ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किया। ठीक है, अब देखिए, एक इतिहासकार हैं मोहम्मद हबीब। इतिहासकार का नाम है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब ने तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में रेखांकित किया है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय को शहरी क्रांति एवं ग्रामीण क्रांति के रूप में किन्होंने, किस इतिहासकार ने रेखांकित किया है, तो उनका नाम है मोहम्मद हबीब। ठीक है, अब आगे देखिए, एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम है लेनपुल। लेनपुल जो है इतिहासकार, इन्होंने कहा लेनपुल ने तुर्कों के प्रसार को
अद्वितीय आंदोलन कह के संबोधित किया है। ठीक है, इन तमाम जो बातें हैं, कोट हैं, आप इनको ध्यान देना है, क्योंकि चाहे नेट की बात हो, चाहे हायर की बात हो या प्रवक्ता की बात होगी, अगर तो यहाँ से उठा करके प्रश्न को पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वंश लिखा है, ये वंश की चर्चा है। ठीक है, अब वंश है यामनी वंश। ठीक है, अब देखिए ये जो महमूद गजनवी के विषय में चर्चा यहाँ पे की गई है। ठीक है, जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी का जो वंश है वह था यामनी वंश, अर्थात महमूद गजनवी यामनी वंश से संबंधित था। ठीक है, अब जो महमूद गजनवी है इसकी जो उपाधियां हैं वह है यमीन उद दौला। महमूद गजनवी का जो उपाधि है वह है यमीन उद दौला। उसके बाद यमीन उल मिल्ला। ठीक है, यमीन उल मिल्ला का जो अर्थ है वह है मुसलमानों का संरक्षक। ठीक है, अब आगे देखिए, बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्ला। बगदाद के खलीफा का क्या नाम है? अल कादिर बिल्लाह ने यह उपाधि उसे प्रदान की थी। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उल मिल्लाह की और यमीन उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, इसी काल इस वंश का नाम यमीन रख दिया गया था और इसी नाम से वह प्रसिद्ध होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगला जो हेडिंग है वह है इस्लाम का नायक। ठीक है, इस्लाम का नायक। इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को इतिहास का नायक कहा है। जो मध्यकालीन इतिहासकार थे उन्होंने महमूद गजनवी को इस्लाम का नायक कहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे है सुल्तान ए आजम। देखिए ये इनकी उपाधियां हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी उपाधियां हैं, सुल्तान ए आजम। ठीक, अब देखिए यह उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी दुनिया का पहला शासक था। ठीक है, अब देखिए इसकी जो अगली उपाधि है वह है अव्यक्तमेकतम मोहम्मद अवतारा। ठीक है, अव्यक्तमेकतम मोहम्मद अवतार, ये जो इसका उपाधि है, यह उपाधि उसके चांदी के सिक्कों पर उत्कीर्ण हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक और उपाधि है, वह है बुत सिकन। ये अक्सर पूछ ली जाती है, बुत सिकन की उपाधि किसकी है? तो वह है महमूद गजनवी की। बुत सिकन का मतलब होता है मूर्ति भंजक, अर्थात मूर्तियों का भंजन करने वाला या मूर्तियों को तोड़ने वाला। महमूद गजनवी की एक और उपाधि है, वह है गाजी की उपाधि। ठीक है, महमूद गजनवी की एक उपाधि है, वह है गाजी की उपाधि। तो इस तरीके से महमूद गजनवी की जितनी उपाधियां यहाँ पे हमने बताई, ये सारी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में एक एक करके कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। एक बार फिर आपको चर्चा कर दें, यहाँ पे जो यामनुद्दौला या यमीन उल मिल्ला उपाधि है, या बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने इसे प्रदान की थी। ठीक है, उसके बाद इसकी अगली उपाधि है इस्लाम का नायक, या मध्यकालीन इतिहासकारों ने इसे प्रदान किया। उसके बाद इसकी उपाधि है सुल्तान ए आजम, अगली उपाधि है अव्यक्तम मोहम्मद अवतारा, उसके बाद इसकी उपाधि है बुत सिकन, और महमूद गजनवी को गाजी की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इस तरीके से इसकी जो महत्वपूर्ण उपाधि थी वो हमने बताई, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
गजनी राज्य का संस्थापक, गजनी राज्य का संस्थापक अलप्त गेन था। कौन था? गजनी राज्य के अगर संस्थापक की बात की जाए तो उसका नाम था अलप्त गेन। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि गजनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो उसका नाम था अलप्त गेन। ठीक है, अब आगे देखिए, अलप्त गेन सामानियों का एक तुर्क दास अधिकारी, जो अलप्त गेन था यह सामानियों का एक तुर्क दास अधिकारी था। ठीक है, अलप्त गेन के जो उत्तराधिकारी थे गुलाम पिराई ने, अलप्त गेन का एक जो उत्तराधिकारी हुआ गुलाम पिराई, हिंदू शाही शासक जयपाल के पुत्र को हराया था। ठीक है, अब देखिए, पिराई का उत्तराधिकारी बना सुबुक्त गेन। पिराई का उत्तराधिकारी कौन बना? सुबुक्त गेन। देखिए, आपको यहाँ पे हर लाइन को बहुत ध्यान से देखना है, हर लाइन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए, जो अलप्त गेन है, अलप्त गेन का गुलाम एवं दामाद था, ये जो सुबुक्त गेन है यह कौन था? यह अलप्त गेन का गुलाम और उसका दामाद था। ठीक, आगे देखिए, 977 ईस्वी में यह गजनी का शासक बना। ठीक है, कौन? सुबुक्त गेन। ठीक है, अब देखिए, सुबुक्त गेन ने यामनी वंश की नींव डाली। कब डाली नींव? 977 ईस्वी में। अर्थात हम बात करें 977 ईस्वी में सुबुक्त गेन ने यामनी वंश की नींव डाली थी। अब आगे देखिए, यही जो सुबुक्त गेन है यही वह महमूद गजनवी का पिता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक इतिहासकार आ जाते हैं, उनका नाम है फरिश्ता। फरिश्ता बताते हैं कि हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल ने सुबुक्त गीन पर आक्रमण करने हेतु राजपूत राजाओं का एक संघ बनाया था। ठीक है, जयपाल आक्रमणकारी नीति अपनाते गजनी में 2 बार सुबुक्त गीन से युद्ध किया, परंतु वह हार गया। यह बात कौन कहता है? यह बात कहता है फरिश्ता। ठीक है, अब सुबुक्त गीन ने जयपाल पर आक्रमण कर काबुल एवं जलालाबाद को जीत लिया। ठीक है, पहले आक्रमण हिंदू शाही वंश के जयपाल ने सुबुक्त गीन ने से युद्ध किया था। ठीक है, लेकिन हार गया था। फिर सुबुक्त गीन ने जयपाल पर आक्रमण किया और काबुल एवं जलालाबाद को जीत लिया। अब आगे देखिए, 997 ईस्वी में सुबुक्त गीन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जब सुबुक्त गीन की 997 ईस्वी मृत्यु हो जाती है, इसने अपने छोटे पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। ठीक है, लेकिन महमूद गजनबी ने 7 माह बाद षड्यंत्र करके इस्माइल की हत्या करके शासक बन जाता है। ठीक है, इस समय महमूद गजनबी 27 वर्ष का था। उसकी जो राजधानी थी वह थी गजनी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आक्रमण का रीजन क्या था, कारण क्या था? ठीक है, आक्रमण का कारण क्या था? तो यहां पे देखिए, जो आक्रमण का कारण था वह था धर्म का प्रचार करना। ठीक, आक्रमण का कारण था धर्म का प्रचार करना। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखते हैं कि दरबारी इतिहासकार उतवी ने उसके आक्रमणों को जिहाद का नाम दिया है। ठीक है, महमूद गजनवी के आक्रमण को इतिहासकार उतवी ने कहा है कि यह जिहाद है। ठीक है, धन प्राप्त करना, यश की कामना करना, भारत से हाथियों की प्राप्ति करना, भारत से हाथियों की प्राप्ति करना उसके आक्रमण के कारण रहे। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था कि हिंद की दौलत
प्राप्त करना। महमूद गजनवी की हिंद का जो मुख्य कारण था वह था हिंद, जो भारत की धन संपदा है उसी को प्राप्त करना। ठीक है, इस तरीके से अब आगे देखते हैं, ताकि मध्य एशिया में साम्राज्य का दौर चला सके। भाई जब जिसके पास पैसा होगा तभी कोई काम कर सकता है, इसीलिए महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण इसलिए करना चाहता था क्योंकि यहाँ से वो धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। जब उसके पास धन हो जाएगा तो इसी धन का उपयोग करके वह मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को वह बढ़ा सकता था। ठीक है, तो उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं था। ठीक, एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है हैबेल। ठीक है, हैबेल ने कहा कि वह बगदाद को वैसे ही निर्दयता पूर्वक लूटता जैसे शोभनाथ मंदिर को लूटा था, यदि वहां से इतना धन मिलने की आशा होती। अब यहाँ पे इतिहासकार हैबेल महोदय ने कहा महमूद गजनवी के विषय में कि वह बगदाद को भी उसी तरीके से निर्दयता पूर्वक लूटा होता यदि उसे इस बात की आशा रही होती कि शोभनाथ मंदिर की तरह यहाँ पर भी अकूत धन संपदा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए, अब मुख्य इसके जो मुख्य अभियान है उसको लेकर के जो इतिहासकार हेनरी इलियट। ठीक है, अब हेनरी इलियट कहते हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। वहीं अधिकतर इतिहासकारों का यह कहना है कि कम से कम 12 बार जरूर उसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, अब देखिए, अब जो आक्रमण उसने किया वह किस रास्ते से किया, तो यहाँ पे देखिए जो खैबर दर्रा है, ठीक है, खैबर दर्रा जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था सुबुक्तगीन ने जीता था। इसी दर्रे को पार कर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे देखिए, महमूद गजनवी वर्षा ऋतु या जिसे सितंबर अक्टूबर में जब वर्षा होती है की समाप्ति पर गजनी से चलता था और शीत ऋतु में आक्रमण करता था। ठीक है, मार्च अप्रैल में वह यहाँ से चला जाता था, अर्थात जब बरसात सितंबर अक्टूबर में समाप्त होती थी तो वह गजनी से भारत पर आक्रमण करने के लिए वहाँ से प्रस्थान करता था, और वह जब ठंडी का समय आता था तो यहाँ पर आक्रमण करता, और जैसे ठंडी समाप्त होती अर्थात मार्च अप्रैल महीने में यहाँ से लूटपाट करके वह अपने देश को वापस चला जाता था। ठीक है, इस तरीके से अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे कि महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण, ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी का जो पहला आक्रमण है वह हुआ था 101 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी का पहला आक्रमण हुआ था 101 ईस्वी में शाहियों पर, अर्थात जो शाहियों थे, जो शाही वंश था, उस पर इन्होंने पहला आक्रमण किया था। अब आगे देखिए, यह राज्य चिनाब नदी से लेकर के हिंद कुश पर्वत तक फैला हुआ था। काबुल, पंजाब आदि क्षेत्र इससे जो थे यहाँ पे वो सम्मिलित थे। अलबरूनी जो है, जो अलबरूनी इतिहासकार है वो कहता है कि शाही शासकों को कनिष्क का वंशज बताया है, अर्थात जो शाही शासक थे उसको अलबरूनी कहता है कि ये कनिष्क के वंशज रहे होंगे। ठीक है, आगे देखिए, एक ब्राह्मण कल्लार ने लल्ली शाही वंश की स्थापना की जो कि ब्राह्मण शाही या शाही के रूप में जाने गए। ठीक है, अब आगे देखिए, इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी काबुल।
ठीक है, शाही वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी काबुल, जो कि 870 ईस्वी में सफीरदी याकूब द्वारा अधिकृत कर ली गई थी। तब शाहियों ने अपनी राजधानी वहिंद या उदभांडपुर को बना लिया। ठीक, अब आगे देखिए, महमूद गजनवी का समकालीन शासक जयपाल था। परीक्षा में पूछा जाता है महमूद गजनवी का समकालीन शासक कौन था, तो वह था जयपाल। अब आगे देखिए, जयपाल से यह गजनवी लड़ा और जयपाल हार गया। उसके बाद जयपाल ने आत्महत्या कर लिया था। ठीक है, अब आत्महत्या करने के बाद आनंदपाल शासक बना, उसने नंदन को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आगे यहाँ पे देखिए, 104 ईस्वी में, कब 104 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया। ठीक, इस समय मुल्तान पर शिया कर्माथियों का शासन था। ठीक है, अब आगे देखिए, जो उसका शासक था उसका नाम था अब्दुल फतेह दाऊद। जब 104 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया, तो उस समय मुल्तान पर जो वंश शासन कर रहा था वह था शिया कर्माथी। ठीक है, लेकिन जो शासक था उसका उसका नाम था अब्दुल फतेह दाऊद। ठीक, दाऊद युद्ध में गजनवी से हार गया था। गजनवी ने यहाँ का राज्य नौशा शाह, जो कि जयपाल का नाती था सुखपाल, उसी को सौंप दिया। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान से में अपने विजित क्षेत्रों की व्यवस्था करने के लिए नौशा शाह को नियुक्त किया। ठीक है, नौशा शाह को महमूद गजनवी ने जब भारत को के क्षेत्र को जीत लिया, तो यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चलानी थी उसने नौशा शाह को नियुक्त किया। आगे देखिए, 1089 ईस्वी में पंजाब के शासक आनंद पाल को छाछ के युद्ध में बैहंद के मैदान में हराया। ठीक है, आगे देखिए, आनंद पाल ने संधि कर ली, गजनवी के साथ जीवन पर्यंत अच्छे संबंध बनाए रखा। 1012 ईस्वी में आनंद पाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल शासक बना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ब्लॉक में दिया है, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लॉक में दिया है, ठीक, यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक में यहाँ पे दिया है, अब इसकी चर्चा हम करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है महमूद गजनवी के समय कुछ समकालीन शासक। अब एक एक करके देखिए, जो पहला बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, तो कश्मीर में 1003 ईस्वी में दिद्दा का शासन रहा। उसके बाद संग्राम राज्य ने लोहार वंश की स्थापना की। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि परमार भोज महमूद गजनवी का समकालीन शासक था। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि बंगाल में महिपाल का शासक था, बंगाल में महिपाल शासक था। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है महमूद गजनवी के समय बंगाल में शासक कौन था, तो शासक था महिपाल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु यहाँ पे है कि चोल में राज राज प्रथम ने 1015 ईस्वी में शासन जो कर रहा था वह महमूद गजनवी का समकालीन शासक था।
उसके बाद महमूद गजनवी का समकालीन जो चोल शासक था वह था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, एक बार फिर समझते हैं। चोल में राजराज प्रथम 1015 ईस्वी तक शासन किया, उसके बाद महमूद गजनवी का समकालीन चोल शासक था राजेंद्र प्रथम 1015 से 1044 ईस्वी। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि एक मिनट, अब देखिए यहाँ पे 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी नगर कोट को लूटा था। कब? 1010 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगर कोट को लूटा। अब 1010 ईस्वी में तालवाड़ी युद्ध में हिंदुओं के संघ को पराजित किया। यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, तलवाड़ी का युद्ध कब हुआ? तो 1010 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? हिंदुओं और महमूद गजनवी के बीच में। तो आप आगे देखिए, 1013 ईस्वी में 1013-14 ईस्वी में नंदन भी त्रिलोचन पाल से जीत लिया। महमूद ने सरोग नामक भारती को नंदन का सूबेदार बनाया था। आगे देखिए, 1014 ईस्वी में थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को लूटा। यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी मंदिर को कब लूटा? तो 1014 ईस्वी में। अब आगे देखिए, 1015 ईस्वी में कश्मीर के में लोहकोट, जिसे लोहारिन कहा गया, वहां पे एक दुर्ग था, उसे जीतने का वह असफल प्रयास किया। ठीक है, अब आगे देखिए, यह गजनवी की सेना की प्रथम हार थी। ठीक, अब उसके बाद देखिए, परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि महमूद गजनवी की सेना की पहली हार कब हुई? तो वह थी 1015 में कश्मीर में लोहकोट या लोहारिन का जो दुर्ग था वहां पे वो हार गए थे। अब जिसका मुख्य कारण क्या था? प्रतिकूल मौसम। ठीक, आगे देखिए, गजनवी कश्मीर में कभी प्रवेश नहीं किया। ठीक है, इसके पश्चात उसने 1021 ईस्वी में कश्मीर को जीतने का असफल प्रयास किया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, 1018 की बात की जाए तो 1018 ईस्वी में गजनवी ने पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश किया। आपको ध्यान देना है कि महमूद गजनवी पहली बार गंगा घाटी में कब प्रवेश किया? तो प्रवेश किया था 1018 ईस्वी में। ठीक है, अब उसके बाद क्रमशः बरन, जिसे बुंदेल शहर कहा जाता है, ठीक है, बरन जिसे बुंदेल शहर कहा गया, मथुरा, वृंदावन तथा कन्नौज पर इसने क्रमशः आक्रमण किया। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने गंगा घाटी में कुल 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, मथुरा में कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय को हरा दिया। मथुरा के निकट महाबन में बरन का यदुवंशी शासक कुलचंद पराजित हुआ। ठीक है, आगे देखिए, कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन था। समकालीन प्रतिहार शासक का राज्यपाल राजधानी कन्नौज छोड़कर भाग गया वहां से। यह महमूद गजनवी का सर्वाधिक फायदेमंद आक्रमण साबित हुआ। ठीक है, इसी समय बगदाद के खलीफा ने महमूद को भारतीय विजयों का समाचार लाने वाले दूत के रूप में उसे विशेष सम्मान
दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, अब बात करते 1019 ईस्वी में, 1019 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कालिंजर के दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए वहां पर घेरा डाल दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ क्योंकि यहाँ के शासक विद्याधर चंदेल इन्हें मुस्लिम लेखकों ने सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। अच्छा फिर से बात, यहाँ के चंदेल शासक ने कन्नौज के नए शासक त्रिलोचन पाल एवं पंजाब के शाही शासक त्रिलोचन पाल के साथ मिलकर के एक संघ का निर्माण किया था। इस संघ का जो प्रमुख था वह था विद्याधर। आगे देखिए, महमूद गजनवी ने ग्वालियर या कालिंजर के किले को, जो दुर्ग था, उसे घेर लिया, लेकिन निर्णायक शक्ति परीक्षण न हो सका। विद्याधर ही वह चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। अंततः जब पराजित नहीं हुआ तो दोनों के बीच संधि हो गई। ठीक, तो जब संधि हो गई तो विद्याधर ने महमूद गजनवी की प्रशंसा में गीत लिखा। महमूद ने इसे 15 किलो इनाम, सॉरी 15 किले इनाम के रूप में उसे दे दिया था। ठीक है, अब आगे देखिए, उसने अपने पुत्र सलजुक के पुत्र को बंदी बना करके कालिंजर दुर्ग में भेजा। 1021 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करके 1000 अब यहाँ पर देखिए 1021 ईस्वी में 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी ने लाहौर पर आक्रमण किया। आक्रमण करके उसने एक बार पुनः त्रिलोचन पाल को पराजित कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसी समय 1022 ईस्वी में पंजाब का गजनी राज्य में विलय कर लिया गया और आर्य रुक जो था उसे पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार फिर समझ लीजिए कि पंजाब का गजनी राज्य में विलय कब हुआ, तो वह हुआ था 1022 ईस्वी में। और जब वहां पे विलय हुआ तो पंजाब का सूबेदार किससे बनाया गया, तो उसका नाम था आर्या रुक। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पे देखिए, फिर एक एक करके चर्चा कर देखिए इसमें। अब बात करते 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी में गुजरात के शोभनाथ मंदिर का महमूद गजनवी पर का आक्रमण हुआ। शोभनाथ जो गुजरात है, वहां का जो समकालीन चालुक्य शासक था उसका नाम था भीम प्रथम, जिसने गजनवी के चले जाने के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया 1027 ईस्वी में। ठीक है, 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों को दंड देने के लिए वह अंतिम बार भारत आया था। ठीक है, अब 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब चर्चा करेंगे कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन से विद्वान निवास करते थे। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबार में कई विद्वान रहते थे जिसकी चर्चा अभी एक एक करके हम करेंगे। देखिए, पहले जो इसमें नाम दिया गया वह था अबू नस्र उत्तबी। क्या नाम था? अबू नस्र उत्तबी। ठीक, अब इनकी देखिए, यही वह हमलावर दरबारी इतिहासकार थे जिसने अपनी पुस्तक लिखी तारीखे यामनी, जिसे कहा गया किताब ए यामनी। 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी के ज्यादातर हमलों का उल्लेख किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
अगला अगला जो इतिहासकार है, जो विद्वान है, जो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, उनका नाम है ख्वाजा अहमद। ठीक है, ये ख्वाजा अहमद जो थे यह महमूद गजनवी के वजीर हुआ करते थे। ठीक है, ख्वाजा अहमद ने महमूद की अनुपस्थिति में 18 वर्षों तक कुशलतापूर्वक प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया था। बाद में महमूद गजनवी ने अपने इस वजीर को एक भारतीय किले में कैद करा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो इतिहासकार थे, अब अगले जो इतिहासकार, उनका नाम है अब्दुल फजल बैहाकी। ठीक है, अब्दुल फजल बैहाकी ने जो किताब लिखी है, उस किताब का नाम है तारीख-ए-सुबुक्तगीन। तारीख-ए-सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? वह थे अब्दुल फजल बैहाकी। अब्दुल फजल बैहाकी को लेन पुल ने, जो इतिहासकार हैं, कहा है पूर्व का पेप्स। क्या कहा है? पूर्व का पेप्स कहा है। ठीक है, सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैहाकी द्वारा लिखित पुस्तक गजनवियों का इतिहास में मिलता है। गजनवियों का इतिहास किसने लिखा? तो वो लिखे थे अब्दुल फजल बैहाकी, जिसे लेनपोल ने कहा पूर्व का पेप्स। अब देखिए अगले जो विद्वान है, उनका नाम है फिरदौसी। क्या नाम है? फिरदौसी। ठीक है, फिरदौसी जो इतिहासकार हैं, इन्होंने फारसी में पद्य में 1000 छंदों वाली शाहनामा, कौन सी पुस्तक है? शाहनामा, महमूद गजनवी के आदेश पर लिखी थी। उसे फारसी का होमर कहा जाता है। फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है, और अबुल फजल बैहाकी को पूर्व का पेप्स कहा जाता है। अब देखिए, जब पूर्व का फारसी का होमर कहा गया, आगे बताया जाता है कि शाहनामा लिखने के लिए महमूद ने फिरदौसी को 60,000 सोने की मिसकल देने का वादा किया था, लेकिन शाहनामा पूर्ण होने पर उसने चांदी के 60,000 मिसकल दिया, जिससे फिरदौसी ने उसे लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, जब उन्होंने इनकार कर दिया तो वह जो फिरदौसी थे वो वहां से छोड़कर चले गए। अंत में महमूद ने क्षमा मांगी, और क्षमा मांगने के बाद 60,000 स्वर्ण मुद्रा भिजवाई। ठीक है, परंतु भेंट पहुंचने से पहले ही फिरदौसी का शव संस्कार के लिए ले जाया जा चुका था। अब आगे देखिए, उसकी पुत्री ने भेंट लेने से इनकार कर दिया। मृत्यु से पहले फिरदौसी ने महमूद की निंदा में कविता लिखी, उसने उसके नीच जन्म का उल्लेख किया है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो अगले विद्वान है इसके दरबार के, उनका नाम है अल बरूनी। अल बरूनी जो कि राज्य ज्योतिषी हुआ करते थे, इसने गजनी में ब्राह्मण पंडितों से वाद विवाद किया था। ठीक है, अलबरूनी गजनी में जो ब्राह्मण पंडित थे उनसे वाद विवाद किया था। अगले इतिहास विद्वान, उनका नाम है फराबी। क्या नाम इनका? इनका नाम है फराबी। ये क्या थे? एक दर्शन शास्त्र के विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे जो इतिहास विद्वान है, उनका नाम है तूसी। जो तूसी हैं, एक खुरासानी विद्वान थे। अगले इतिहास का जो विद्वान है, उनका नाम है उसरी। उसरी जो है वो महान शिक्षक एवं राज कवि थे। ठीक है, उसरी राज कवि उसरी कामु 3 बार महमूद गजनवी ने मोतियों से भरा था। ठीक है,
अब आगे देखिए, अब आगे यहां पे देखिए, उसरी के बाद है सैयद सालार मसूद गाजी, महमूद गजनवी के एक सैनिक जिनका मकबरा बहराइच में है। ठीक है, ये जो सैयद मसूर सालार मसूर गाजी, जो गाजी मियाँ का मेला जिसे बोला जाता है, ये महमूद गजनवी के एक सैनिक थे जिनका मकबरा बहराइच में स्थित है। अब आगे देखिए, महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे फारूकी, फारूकी ने महमूद द्वारा लाहौर में बनाए गए निगार खाना, निगार खाना क्या है, चित्र विथ क्या है, इसका उल्लेख उन्होंने किया है। इसमें महमूद गजनवी का भी सभी या व्यक्ति चित्र है। वह पहला सुल्तान है जिसने अपना रूप चित्र बनवाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, नवार नदी, एक नदी का नाम है, वह है नवार नदी। इसी नदी पर महमूद ने बाह ए सुल्तान बांध बनवाया और नायक गजनी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की और उसी में एक पुस्तकालय बनवाया। ठीक है, और वहीं पे एक अजायब घर भी बनवाया था। अब यहाँ पे देखिए, महमूद गजनी द्वारा निर्मित मस्जिद थी शाह मदरसे, क्या नाम था, शाह मदरसे। इसे जो शाह मदरसा बनवाया था, इसे कहा गया पूर्व का आश्चर्य। ठीक है, मुस्लिम शासकों में सबसे पहले महमूद गजनवी ने भारतीय ढंग के सिक्के का निर्माण करवाया या उसे चलवाया था। इन सिक्कों को दिल्ली वाला सिक्का कहा गया। ठीक है, जिसका वजन था 56 ग्रेन। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं अल बरूनी। ठीक है, सॉरी, अब यहां पे देखिए, अब बात करते हैं अलबरूनी की। अलबरूनी का जो उपनाम है, वह उपनाम इसका है अबू रेहान। अलबरूनी का जो उपनाम है वह है अबू रेहान। अलबरूनी की जो उपाधि है वह है विद्या सागर। ठीक है, अलबरूनी की जो उपाधि है वह है विद्या सागर। ठीक है, तो अब देखिए, अलबरूनी की जो उपाधि है वह है विद्या सागर। भारतीय ब्राह्मणों द्वारा इसे प्रदान की गई थी। यह प्रथम मुस्लिम भारत विद इसे कहा जाता है। जो अबुल अबू रेहान है या अलबरूनी है, इसका जन्म हुआ था खीवा में या ख्वारिज में इसका जन्म हुआ था। जो इसकी मृत्यु हुई 77 वर्ष की आयु में गजनी में इसकी मृत्यु हो गई। अब आगे देखिए, जो विशेष बात इसके विषय में है कि अलबरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत भाषा को सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने सबसे पहले संस्कृत को सीखा तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। ठीक है, अब आगे देखिए, इसने जो पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, जिसे कहा गया तहकीक हिंद, और जिसे मीन मकाला भी कहा जाता है। ठीक है, जो यह पुस्तक है, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी का दर्पण भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इबुल
इयोलका, इयोलका भारत में प्रवास के बाद यह पुस्तक रची गई थी और बरूनी ने लगभग 113 कृतियों की रचना की। ठीक है, अब इसकी जो अगली पुस्तक उसका नाम है किताबस सैदना, किताबस सैदना अलबरूनी की लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें जिसे दवाओं की किताब भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका फारसी अनुवाद बक्र महोदय ने किया था। अब देखिए यहाँ पे अनुवाद, अरबी में लिखी किताब किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद 1888 ईस्वी में एलवर्ड सचाऊ ने किया था। ठीक है, लेकिन हिंदी में यहाँ पे देखिए कि वही हिंदी में इसका जो अनुवाद हुआ वो तो उसने किया था कि रजनीकांत शर्मा ने, जो किताबुल हिंद पुस्तक है जो अरबी भाषा में लिखी गई, इसका जो अनुवाद किया वो थे एलवर्ट एडवर्ड सचाऊ, और हिंदी भाषा में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चाहिए, अब यहां पे देखिए तो हाँ, यहाँ पे देखिए अलबरूनी मामूनी वंश के ख्वारिज्म शाह के राजनैतिक सलाहकार थे। जो अलबरूनी थे ये मामूनी वंश के ख्वारिज्म शाह के राजनीतिक सलाहकार थे। महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म जीता तो यहीं से युद्धबंदी के रूप में अलबरूनी को प्राप्त किया था। महमूद ने अलबरूनी को राज्य ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया। 1819 ईस्वी में महमूद के साथ भारत आए। अलबरूनी भारत में कुल 10 वर्षों तक रहे और 1030 ईस्वी के आसपास किताबुल हिंद की रचना इन्होंने की थी। अलबरूनी को महमूद के पुत्र मसूद जो थे से भी राज्य की संरक्षण प्राप्त हुआ था। अलबरूनी दार्शनिक, गणितज्ञ, समाजशास्त्री, चिकित्सा और ज्योतिष विद्या में विद्वान थे। अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। वह योग सूत्र को सूफी मत के समकक्ष मानते थे। अलबरूनी कहता है कि आत्मा के बारे में सूफी सिद्धांत पतंजलि की योग सूत्र की भांति है। अलबरूनी ने कपिल के सांख्य एवं ज्योतिष का भी अध्ययन किया था। ठीक है, अब देखिए अलबरूनी की जो पुस्तक है किताबुल हिंद, उसमें प्लेटो और अरस्तु का भी उल्लेख उसने किया है। ठीक है, अलबरूनी जो थे वह गीता से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब चर्चा करते हैं किताबुल हिंद, जिसे अलबरूनी का भारत का सर्वेक्षण, सॉरी सर्वेक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब इसके विषय में थोड़ा जानकारी आपको दे दें। देखिए जो किताबुल हिंद है, इस पुस्तक में कुल 80 अध्याय थे, जिसमें सर्वाधिक वर्णन खगोल शास्त्र का हुआ था। स्टेनले लेनपुल जो है किताबुल हिंद को टकराती तलवारों, जलते शहरों एवं लूटे जा रहे मंदिरों की दुनिया के बीच
पूर्ण रूपे निष्पक्ष अनुसंधान का जादुई द्वीप कहा है। ठीक है, इसमें भारत के कई नगरों का जो विवरण हुआ देशांतर सहित किया गया है, लेकिन अलबरूनी ने दक्षिण भारत के राज्यों के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है और तत्कालीन राजनीतिक जीवन का बहुत कम इसमें उल्लेख किया गया है। आपको बहुत ध्यान से एक एक लाइन को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आगे देखिए। ये तो रही किताबुल हिंद की बात। अब देखते हैं किताबुल हिंद में जो सामाजिक स्थिति के विषय में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब उसकी चर्चा करते हैं। सामाजिक स्थिति के विषय में कहा गया है कि किताबुल हिंद में कि भारतीय समाज में चतुर्वर्ण व्यवस्था यहाँ पे विद्यमान थी, वह युग्मित वर्ण व्यवस्था का उल्लेख करता है। उनके अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय एक युग में या जोड़े में थे, जिस इनमें धोबी मोची सॉरी युग में थे तथा वैश्य एवं शूद्र दूसरे युग में थे। चार वर्णों के नीचे अछूतों की श्रेणी आठ अंत्यज थे, जिन्हें अल्लम गल्लम कहा है। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि अलबरूनी ने भारतीय वर्ण व्यवस्था को कहा कि यह समाज चतुर्वर्णीय व्यवस्था थी, जिसमें उसने कहा कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं एक युग में है और जो वैश्य शूद्र है दूसरे युग में आते हैं। चारों वर्णों के नीचे जो अछूती जातियां हैं उसमें आठ अंतर जातियों का उसने उल्लेख किया है। इन आठों अंतर जातियों को उसने अल्लम गल्लम कहा है। ठीक है, अब देखिए इनमें जो नाम दिया है वह है धोबी, दूसरा नाम मोची, तीसरा जादूगर, चौथा नाबिक, पांचवा मछुआ, छठा जुलाहा और शिकारी। ये तमाम जातियां हैं जिसे अंतर जातियां मानता है। उसके बाद देखिए हादी, डोम, चांडाल एवं बघातु निम्न कोट की व्यक्ति हुआ करते थे। अलबरूनी के अनुसार, अलबरूनी कहता है, ठीक है, अलबरूनी के अनुसार वास्तव में वह लोग अवैध बच्चों की बात समझे जाते थे और उनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाता था। अब देखिए सामाजिक विभेद का यह चरम, सामाजिक जो विभेद था वह अपने चरम पर था। ब्राह्मण को चार पत्नी, क्षत्रिय को तीन पत्नी, वैश्य को दो पत्नी और शूद्र को एक पत्नी रखने का अधिकार उस समय था। ठीक है, अब देखिए प्रसूतियों के भी आधार पर वर्गों के बीच दूरियां बनाई गई थी। जैसे ब्राह्मण स्त्री 8 दिन, क्षत्रिय स्त्री 12 दिन, वैश्य स्त्री 15 दिन और शूद्र स्त्री 30 दिन अछूत रहेगी। ठीक है, अब आगे देखिए अलबरूनी बताते हैं कि विवाह में तलाक नहीं था। ध्यान दीजिएगा, अलबरूनी के अनुसार विवाह में तलाक नहीं था। ठीक है, विधवा विवाह भी इस समय नहीं होता था। ठीक है, अंतर जाति विवाह केवल अंत्यजों में प्रचलित थी। अब देखिए शिक्षा की बात की जाए। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षा की। अगर शिक्षा की बात की जाए तो अलबरूनी कहता है कि इस समय विक्रमशिला, नालंदा, उदयपुर, कश्मीर, बनारस ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। अलबरूनी कहता है कि विज्ञान के हर एक शाखा के संबंध में
हिंदुओं के पास अपने ग्रंथ उपलब्ध हैं। आगे देखिए, बच्चे पाठशाला में खड़िया एवं स्लेट का प्रयोग करते थे। अलबरूनी कहता है, उत्तर भारत में लोग पेड़ की छाल का उपयोग लिखने में करते थे, जबकि दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों पर लिखाई होती थी। ठीक है, अलबरूनी कहता है कि उत्तर भारत के लोग थे या पेड़ की छाल का प्रयोग लिखने के लिए करते थे, जबकि जो दक्षिण भारत के लोग थे ये ताड़ के पत्तों का प्रयोग लिखने में किया करते थे। अब आगे देखिए, आगे अलबरूनी कहता है कि हिंदुओं की लिपि 50 अक्षरों की थी, अर्थात जो हिंदू लिखते थे उनकी लिपि उनकी लिपि में 50 अक्षर होते थे। अलबरूनी हिंद भूमि में प्रचलित विभिन्न प्रकार की लिपियों की चर्चा की है। उन लिपियों में देखिए, पहली लिपि जो है वह है सिद्ध मातृका। जो सिद्ध मातृका है यह कश्मीर, वाराणसी, कन्नौज क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रचलित रही। अब जो दूसरी लिपि है वह है भक्षुकी। ठीक है, अब देखिए, यह उड़नपुर और बौद्धों की लिपि थी। उड़नपुर की बौद्धों की यह लिपि थी। इसके अतिरिक्त मालवाड़ी सिंध में चलती थी, दिरवारी द्रविड़ क्षेत्र में चलती थी, लारी गुजरात में चलती थी, गौरी पूर्वोत्तर देश में चलती थी, मालवा के नागर भाटिया के अर्धनागरी लिपियों का उपयोग किया करते थे। अब आगे देखिए, इस समय साहित्य के मूल विषय कुटनी मतम या मध्यस्थ के विचार तथा और समय मत्र के वैश्या की आत्मकथा थे। ठीक है, कश्मीर के राजा के एक मंत्री दामोदर गुप्ता ने कुटनी मतम, क्षेमेंद्र ने समय मत्रक नामक पुस्तक को लिखा था। देखिए, जो कुटनी मतम है इसके जो रचनाकार है उनका नाम है दामोदर गुप्त, और जो समय मत्रक है उसका राइटर का नाम है क्षेमेंद्र। ठीक है, अब देखिए, अलबरूनी कहते हैं कि हिंदुओं का यह विचार हमारे देश जैसा धर्म, राजा, विज्ञान आज संसार में कहीं नहीं है। अलबरूनी कहता है कि जो हिंदुओं का विचार है, हिंदू कहते थे कि हमारे देश जैसा धर्म, हमारे देश जैसा राजा, हमारे देश जैसा विज्ञान पूरे दुनिया में कहीं भी नहीं है। इन्हीं बातों के लेकर के अलबरूनी हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, कहता है कि हिंदू कूप मंडू हो गए हैं, हालांकि उनके पूर्वजों में इतने संकीर्ण विचार नहीं थे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे धर्म की बात की गई है। धर्म की बात करेगा जब अलबरूनी, कहता है कि अलबरूनी दो प्रमुख त्योहार रामनवमी और शिवरात्रि का उल्लेख करता है। अलबरूनी कहता है कि धर्म में भी विभेदीकरण था, क्योंकि शिक्षित लोग एकेश्वरवादी थे, वहीं अशिक्षित जो आम जन थे वह बहुदेववादी थे। ठीक है, वह वैष्णव संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म मानते। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा जाता है कि अलबरूनी के अनुसार भारत में कौन सा धर्म सर्वाधिक प्रसिद्ध था, तो वह था वैष्णव धर्म। ठीक है, अब चलते हैं, अब देखिए आगे, अब यहां पे देखिए, अलबरूनी कहते हैं कि अधिकांश भारतीय विष्णु नारायण की उपासना किया करते थे। वैश्य शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अलबरूनी के अनुसार यदि यह सिद्ध हो जाता था कि किसी शूद्र या वैश्य ने वेद का पाठ किया है,
तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। ठीक है, अब चलिए, अब अलबरूनी कहता है कि मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। वास्तव में मंदिर, बौद्ध विहार एवं मठ इस समय भ्रष्टाचार के केंद्र थे। अलबरूनी आगे लिखता है कि प्रत्येक वस्तु जो अशुद्धता अवस्था में गिर जाती है वह बड़ी सफलता से अपनी मौलिक शुद्ध स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्थापत्य के विषय में अलबरूनी लिखता है कि हिंदुओं के स्थापत्य के विषय में कि मुसलमान जब इनकी कला को देखते हैं तब आश्चर्य करते हैं, इनको बनाना तो दूर वह उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। अलबरूनी एवं उत्तबी के विवरण से ज्ञात होता है कि कन्नौज नगर अत्यंत विस्तृत एवं भव्य था। अब महमूद गजनवी कहता है, महमूद गजनवी के अनुसार कन्नौज मथुरा के मंदिरों जैसा कोई अन्य वास्तु यदि कोई निर्मित करना चाहता है उसे काम पर 1 लाख सोने की दिनार खर्च करनी पड़ती थी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, तथा 200 वर्ष का समय लगाना होता था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, आर्थिक स्थिति की बात की जाए, आर्थिक स्थिति की बात, ठीक है, जो अलबरूनी ने आर्थिक स्थिति की चर्चा की है भारत की, उसमें कहा है इस समय उन्नति की अवस्था थी, मंदिरों में संपत्ति का संकेंद्रण था, यही इस समय बैंक हुआ करती थी, यही कारण है कि आक्रमणकारियों का पहला निशाना मंदिर ही होती थी। ठीक है, अलबरूनी भारत में प्रमुख नगरों को जोड़ने वाले मार्गों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करता है। अब देखिए, अलबरूनी कहता है कि समाज में सूदखोरी वर्जित थी, केवल शूद्रों को ही इसकी इजाजत दी जाती थी। ठीक है, अलबरूनी बात करता है कि उस समय वह 2% ब्याज इस पर लिया करते थे। अलबरूनी आगे लिखता है कि यदि कोई अपनी जाति का व्यवसाय या कर्तव्य छोड़ना चाहता है, भले वह दूसरी जात के लिए सम्मान का विषय ही क्यों न हो पाप समझा जाता था। अब देखिए, यहाँ पे राजनीतिक स्थिति की बात कर की जाए, ठीक है, राजनीतिक स्थिति, ठीक है, अब देखिए अलबरूनी जो कहता है यहाँ पे अपने पुस्तक में किताबुल हिंद में राजनीतिक स्थिति चर्चा जो करता है, वह कहता है कि अलबरूनी ने राजनीतिक स्थिति का नाम मात्र का उल्लेख किया, अर्थात बहुत सीमित मात्रा में अपनी पुस्तक में राजनीतिक स्थिति के विषय में चर्चा की है। तो इस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था तथा एक राज्य की कमजोरी दूसरे राज्य की शक्ति का साधन था। अलबरूनी ने महमूद गजनवी की सेना में कन्नड़ सैनिकों का उल्लेख किया है। ध्यान दीजिएगा, महमूद गजनवी की सेना में जो कन्नड़ सैनिक होते थे, इसका उल्लेख अलबरूनी अपनी पुस्तक में करता है। आगे देखिए, महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारी मसूद ने अपनी बहुजाती सेना में बड़ी संख्या में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। मसूद की आधी सेना में तो हिंदू ही थे, जिसमें तिलक एवं सेवंद राय उच्च पदों पर अपना कार्य करते थे। अगर निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए, ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो वस्तुतः अलबरूनी का सर्वेक्षण एक खंडित भारत के, खंडित समाज की खंडित तस्वीर ही प्रस्तुत करता है। यह राजनीति, समाज, धर्म, यहाँ तक की प्रस्तुति के आधार पर विभेद को ही उजागर करता है। ऐसे में अगर तुर्क आक्रमण
सामने भारतीय राजा एक एक करके हारते चले गए तो इसमें कोई आशा की बात नहीं है, क्योंकि एक खंडित समाज खंडित राजनीति ही दे सकता है। तो साथियों, इस तरीके से महमूद गजनवी से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थीं, उसके विभिन्न जो उसका वंश था, ठीक है, उसकी चर्चा हमने की। उसके बाद उसने जो आक्रमण किया, उन आक्रमणों की चर्चा की। अब उसके दरबार में जो विभिन्न प्रकार के विद्वान रहते थे, उसकी चर्चा हमने की। महमूद गजनवी के दरबार में जो प्रमुख इतिहासकार थे अलबरूनी, उसकी जो पुस्तक थी किताबुल हिंद, उसमें अलबरूनी ने जिस तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, इन तमाम प्रकार की जो बातों का उसने उल्लेख किया है, उसकी चर्चा हमने इस क्लास में की है, ठीक है। इसके बाद हम मोहम्मद गोरी के विषय में चर्चा करेंगे, तो वह अगली क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।